हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर लेसन नंबर 11, फोर्स एंड एनर्जी। टुडेज टॉपिक इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप यूज्ड टू डू एनी वर्क। इट डज नॉट लुक लाइक अ मशीन एट ऑल। द ग्रेजुअल द स्लोप ऑफ एन इंक्लाइन, द लेस इज द एफर्ट रिक्वायर्ड। लेट अस सी द सम एग्जाम्पल्स। रैंप्स आर सीन इन हॉस्पिटल टू टेक व्हील चेयर्स एंड स्ट्रेचर्स। अपर फ्लोर इट इज इजियर टू क्लाइंब अ स्लोप देन टू टेक स्टेयर्स। लेबरर्स यूज वुडन प्लैंक्स टू पुट हैवी लोड्स इन द ट्रक। सो वी सी दैट इंक्लाइन प्लेन रिड्यूस अवर एफर्ट एंड हेल्प अस इन अवर वर्क। अब ये क्या कहता है, इंक्लाइन प्लेन क्या करता है, ये एक स्लोप होता है। जैसे आपके घरों के बाहर रैंप बने होते हैं ना, उससे क्या होता है, गाड़ियां वगैरह ऊपर चढ़ाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसी तरीके से यहां पर क्या होता है, ये स्लोप कोई काम हमें एज सच नहीं लगेगा कि ये सिंपल मशीन है। ये क्या करता है, ग्रेजुअली इंक्लाइंड ऐसे टेढ़ा होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसमें कम मेहनत लगती है, कम एफर्ट लगाना पड़ता है चीजों को एक ऊंचाई से निचाई पर लेके आने में, निचाई से ऊंचाई पर लेके जाने में। अब जैसे रैंप्स होते हैं हॉस्पिटल में, रैंप्स बने होते हैं वो, ताकि क्या करें, व्हील चेयर पे जो पेशेंट्स हैं उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पुल करके, पुश करके हम उनको ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टेयर्स होती तो उठा के लेके जाने पड़ते, दैट विल बी मोर डिफिकल्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अगर रैंप्स होते हैं, अगर स्लोप्स होती हैं, ठीक है, तो वहां पर चढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है एज कंपैरिजन विद स्टेयर्स। स्टेयर्स के अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो आसान हो जाता है। इसी तरीके से लेबर्स क्या, ये ट्रक में जब माल चढ़ा रहे होते हैं तो ऐसे ना लकड़ी का फट्टा सा लगा लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, ट्रक में माल जो है लोड करना आसान हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो हमारे एफर्ट को कम कर देते हैं और हमारा काम आसान कर देते हैं। स्क्रू। स्क्रू इज अ नेल विद विंडिंग ग्रूव ऑन इट। द ग्रूव्स आर कॉल्ड थ्रेड्स। द स्क्रू हैज अ हेड विद अ ग्रूव टू होल्ड द स्क्रू ड्राइवर। द स्क्रू इज बेटर देन अ नेल बिकॉज इट हैज अ ब्रेटर ग्रिप ड्यू टू इट्स थ्रेड इन द वुड। इट कैन बी स्क्रूड इन with less effort than hammering a nail. A screw is an inclined plane. A screw jack used to repair cars also work on the principle of a screw. अब ये देखिए, ये क्या कहता है बेटा, स्क्रू क्या होता है, पेच। अब कील और पेच में क्या फर्क होता है, कील क्या होती है, बिल्कुल प्लेन होती है ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर एक निशान होता है, ऊपर एक ग्रूव बने होते हैं, वो आपकी क्या होती है, कील हो जाती है। लेकिन जो पेच होते हैं उनके क्या होता है, उस कील के चारों तरफ क्या बने होते हैं, ग्रूव्स बने होते हैं, यानी कि हम उसके चारों तरफ इंक्लाइंड प्लेन को रैप कर देते हैं। जैसे यहां पर आपको दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर, ये क्या है, पेच, और ये क्या करते हैं, बहुत चीजों को होल्ड करने में, पकड़ने में। जैसे दो चीजें आपको ज्वाइन करनी है तो हम पेच की मदद से, जैसे आपके बेंचेस में लगे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दो हिस्सों को आपस में बहुत अच्छी ग्रिप से पकड़कर रखने का काम करते हैं। कील क्या होती है, कील के कंपैरिजन में ये ज्यादा बेटर होते हैं। इनको कील तो क्या करना पड़ता है, हैमर ठोकनी पड़ती है, लेकिन इनको क्या करते हैं, हम पेचकस से जैसे ही वो करेंगे, ये क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं अंदर, हमें कम मेहनत लगानी पड़ती है। इसी तरीके से जो कार रिपेयर करने में भी हम क्या करते हैं, स्क्रू जैक लगाते हैं, तो उसमें भी इसी का इस्तेमाल किया गया है। किसका, किस प्रिंसिपल का, स्क्रू के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया। अब आता है पुली। अ पुली इज अ व्हील हैविंग अ ग्रूव ऑन इट्स एज। थ्रू दिस ग्रूव अ रोप इज टाइड, लोड इज टाइड टू वन एंड ऑफ द रोप। ऑन द अदर एंड ऑफ द रोप द एफर्ट इज अप्लाइड। When we apply effort on one end of the rope, the load lifts up. When we pull the load up, it requires more effort than when we release it downward. Pulley does not reduce the amount of effort applied. It only changes the direction of force applied. A pulley is used to draw water from a well. It is used on a flagpole to hoist our national flag. अब ये क्या कहता है बेटा,
यहाँ देखो, पुली क्या है? एक व्हील है, एक पहिया है जिसके अंदर ग्रूव, जगह है जहां पर हमारी रोप, कोई बेल्ट रोप क्या कर सकती है, जा सकती है आसानी से। एक तरफ हम एफर्ट लगाते हैं, एक तरफ हमारा क्या होता है, लोड होता है। लोड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी, वो जैसे लोड हम यहाँ लगा रहे हैं, सॉरी एफर्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, और लोड क्या करता है, हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो ऐसे हो रहा है, और ये हमारा क्या जाता है, नीचे की तरफ जाता है। तो ये पुली क्या करता है, हमारे अमाउंट ऑफ एफर्ट को रिड्यूस नहीं कर देता, बस ये फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, एफर्ट इस साइड, लोड इस साइड। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्या कह रहा है, जैसे अब बाल्टी ऊपर आती है, हम जैसे जैसे क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, वैसे वैसे बाल्टी क्या आती चली जाती है, ऊपर आती चली जाती है। यहाँ पर ये एफर्ट है, ये आपका लोड है, और हम क्या कर रहे हैं उसको, ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसी तरीके से फ्लैग के ऊपर भी क्या लगा होता है, छोटा सा पुली लगा होता है। जैसे फ्लैग नीचे बंधा होता है, हम दूसरी तरफ से थ्रेड को खींच रहे होते हैं, धागे को, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पुली ऊपर, फ्लैग हमारा ऊपर चला जाता है और वो होस्ट हो जाता है। इसी तरीके से क्रेन्स अगर आपने देखे तो क्रेन्स में भी क्या लगे होते हैं, पुली लगे होते हैं। और हमारे पुली भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मूवेबल पुली, एक होता है आपका फिक्स्ड पुली। ये जो आपका वेल है वो क्या है, आपका फिक्स पुली है, और जो क्रेन्स पे यूज होते हैं, और जो अगर आप पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, क्रेन्स का यूज किया जाता है एक एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर जाने के लिए। तो वहां पर कौन से पुलीज यूज होते हैं, आपके मूवेबल पुलीज यूज होते हैं। अब आता है व्हील एंड एक्सल। अ व्हील इन इटसेल्फ इज नॉट अ सिंपल मशीन, यू हैव सीन हैवी व्हीकल्स मूविंग ऑन व्हील्स, बट ऑल ऑफ दीज हैव अ रॉड इन सेंटर कॉल्ड एक्सल। Such wheel with a rod in center is called wheel and axle arrangement. It make our work easier by turning other parts of in big machines, swing machine, steering wheel, egg beater. ये कुछ example है wheel and axle के। अब wheel खाली पहिया है, वो एक simple machine नहीं है, लेकिन बड़ी जो आपके heavy vehicles होते हैं उनमें व्हील्स को मूव कराने के लिए एक रॉड भी होती है उनके सेंटर में, जिसको बोला जाता है एक्सल। व्हील जो है रॉड के सेंटर में, उसको बोलते हैं हम उस अरेंजमेंट को व्हील एंड एक्सल। जैसे आपके ये स्विंग मशीन है, जो सिलाई मशीन होती है, इसके यहाँ पर ये क्या है, आपका व्हील विद एन एक्सल। जो आपका स्टेयरिंग होता है उसमें भी क्या है, ऊपर एक वो आपका व्हील है, नीचे उसके थोड़ा सा क्या होता है, डंडा लगा होता है, दैट इज योर रॉड, वो क्या बन जाता है आपका व्हील एंड एक्सल। इसी तरीके से एग बीटर में भी होता है। नाउ वेज, वेज क्या होता है, वेज इज सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स दैट मीट एट शार्प एज। इट हैज शार्प एजेस ऑन वन साइड एंड ब्लंट ऑन द अदर। इट इज ऑफन यूज टू कट और स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स, एक्स, नाइफ एंड नेल आर द एग्जाम्पल ऑफ वेज। अब ये क्या कहता है, चक्कू जो है एक साइड से तो ब्लंट होता है, ठीक है, पैना नहीं होता, ताकि वो वहां से अगर आप काटने की कोशिश करो तो चीजें नहीं कटती। एक साइड से क्या होता है, वो शार्प होता है, बहुत ही पैना होता है, ताकि चीजों को वो आसानी से कट कर पाए। अब इसमें क्या होता है, ये भी हमारा वेज क्या है, सिंपल मशीन है, इंक्लाइन प्लेन है। इसमें ऐसे आपका एक वेज है, तो एक प्लेन ऐसे दोनों होते हैं, अगर आप देखेंगे एक प्लेन ऐसे होता है तो एक छोटा सा प्लेन और होता है, यानी कि दो इंक्लाइन प्लेन क्या करते हैं, मिलते हैं, ताकि वो एक शार्प, एक तीखा एज बना सकें, और वो चीजों को काटने में क्या कर सकें, आसानी हो सके। जो भी आपका कुल्हाड़ी है, आपकी नाइफ है, वो सारे किसका एग्जाम्पल है, वेज का एग्जाम्पल है। अभी अगर आपको सिंपल, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मशीन बनानी है तो हम क्या करते हैं, ये सारी जो सिंपल मशीन्स अभी हमने पढ़ी, और जो कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है वो इन सिंपल मशीन्स को अलग अलग तरह से हम कंबाइन करते हैं, और हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन बनाते हैं। दैट्स ऑल।